फटाफट गेट खोला हमने, वो बाहर निकले। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 3:30 नहीं 4 बजने वाले हैं। और विवेक भैया ने लेट कर दिया, ट्रेन है हमारी, वो कहाँ पे जा रहे हैं वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फटाफट भगते हैं, पहले तो आप गली का माहौल। सीधा 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 सीधा। फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, फटाफट विवेक भैया गाड़ी पार्किंग लगा रहे हैं। अरे कहाँ जगह करनी है आप? तो है यहाँ पे जगह अवेलेबल, डाल दो। तो गाइस हम इस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, थोड़ा फास्ट आए हैं क्योंकि विवेक भाई की वजह से लेट हो गए थे। इनका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और फिर भी ऐसे बोल रहे हैं कि बाल दिखा देना, इनको पता नहीं अगर ट्रेन लेट हो जाती। ये ट्रेन तो आगे ही खड़ी है शायद अपनी। धीरे बात चलो अब पीछे पीछे चलते हैं, वो तो गई। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पे, और अभी क्या हुआ कि ट्रेन तो रुकी हुई थी स्टेशन पे, लेकिन विवेक भैया और मैं सो रहे थे क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम को देख के तो बता सकते हैं कि अभी कितने बज रहे हैं। हाँ 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे का टाइम होता है, वो नींद काफ़ी अच्छी वाली आती है। तो एकदम से फटाफट गेट खोला हमने, वो बाहर निकले और मैं किशनगढ़ आ गया। तो हमको किशनगढ़ आना था, तो हम आज आपको मार्बल सिटी किशनगढ़ एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे कैसी है यहाँ पे, क्या क्या है। तो डंपिंग यार्ड जाएंगे अब अभी हम थोड़ी देर में, तो बने रहिए वीडियो में। डंपिंग यार्ड कितने बजे खुलता है? खुल गया। तो गाइस मैं वो पैदल चलते चलते बहुत ज्यादा भूख लग गई, इसलिए अब खा रहे हैं हम यहाँ की स्पेशल कचौड़ी। देख सकते हो ना भूख किससे चेहरे का क्या हाल हो गया। तो गाइस कचौड़ी खाने के बाद थोड़ी पेट को मिली है शांति, और अब हम जा रहे हैं गुदोलाव झील, झील के पास जा रहे हैं। गोलू भैया ने कचौरी ने कचौरियां खाई है। कचौरियां, ये कचौरियां थी यहाँ पे, बहुत शानदार कचौरी मिली। अरे कहना क्या चाहते हो यहाँ पे, मतलब बहुत टेस्टी। तो चलते हैं आगे, ऑटो वालों को पकड़ते हैं वापस से फटाफट। तो गाइस बैठने वाले हिस्से में बैठने का मजा ही कुछ और है, ऐसे दच के मिलते हैं पे आज। तो फ्रेंड्स ये है फूल महल किशनगढ़ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पानी के अंदर महल है, ये बोट यहाँ पे, और ये पुराना किला इस तरफ। पहले सबसे पहले मछली को थोड़ा कुछ खिला देते हैं, फिर चलते हैं विवेक भैया के हाथों से। ब्रेड ही ले लो, हाँ ब्रेड सही है। गाइस आपको खाने ब्रेड? नहीं 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 खाएंगे कोई भी, ये तो मछलियों के लिए भी। लड़ो एक साथ नहीं, ऐसे नहीं डालते चुरा करके ना, ऐसे ना। देखो आप तैयार है ना, वहाँ एंगल मार के वहाँ पे करूँ, ठीक है करूँ? हाँ ये तो बहुत तगड़ी चीज है, बहुत बड़ो। ये विवेक भैया निकल गए पेड़ के नीचे से, और ये फूल महल पैलेस है, ये बहुत बड़ी होटल है, ये ऑनलाइन ही बुक होती है। अगर किसी को यहाँ पे रुकना हो तब वो इसको बुक करा सकता है, या फिर कुछ प्रोग्राम वगैरह करता है कोई। तो आपने अभी देखा है फ्रेंड्स, ऐसे बैटरी वाले रिक्शे में कोई गाने चल रहे हैं। तो
फ्रेंड्स यहाँ पे अंदर बनेगा परमिशन कार्ड बना के वो डंपिंग यार्ड में फेंक के आना है जल्दी से जल्दी। और यहाँ पे लगा हुआ है महंगाई राहत कैंप, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए। तो परमिशन कार्ड बनवा लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा डंपिंग यार्ड के पास में ही है। के ऊपर कुछ वेग भैया बोलना चाहते हैं बोल, बताइए हमारे दर्शकों को, बताओ। देखो टेल मी, ये परमिशन कार्ड है, देखो ना केंद्र में कैसा लग रहा है। बचपन में टीचर बोलते थे जो उधम करण का नाम लिखो, दो ही बच्चे उधम कर रहे हैं। हमने बाहर निकालते करो। बिल्कुल वही है। ठीक फ्रेंड्स, ये एंट्री आप सामने देख सकते हो, इसके अंदर एंट्री कर ली है हमने डंपिंग यार्ड। मैं तो घूमने आया हूं, रास्ता जा रहा है तेरी कसम, आज तो सिर्फ घूमने आया हूं, अगले संडे आऊंगा। कर रहा है फोन पे। तो फ्रेंड्स, फाइनल हम किशनगढ़ डंपिंग यार्ड में आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मतलब ऐसा लग रहा है चारों तरफ जैसे कि कश्मीर। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, पे आ गए हो और एकदम ऐसा लग रहा है बर्फ की तरह है। नहीं, ये देखो खुशी का ठिकाना नहीं है, बस 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 कूदना नहीं है आपको। रिलैक्स, कंट्रोल। पाँच दस मिनट रुको, है ना, वेग बैग को हॉर्स राइडिंग करवाएंगे फिर थोड़ी देर में। अभी वेग बैग डर गए क्योंकि घोड़ा है ना गुस्से में। फ्रेंड्स, विवेक भैया को एकदम मस्त वाले गाने याद आ रहे हैं यहाँ पे आते तो, मतलब शादी का मौसम बन रहा है, विवेक भैया तो शूट वगैरह करवाएंगे इधर शानदार। और आपको भी झील दिखाते हैं, यहाँ पे झील है, बहुत अच्छी झील है यहाँ पे, एकदम मतलब पूरी ब्लू कलर की झील है, आपको दिखाता हूँ अभी जस्ट। तो गाइस बहुत मज़ा रहा है यहाँ पे, बर्फीला राजस्थान है एकदम। ये बिल्कुल सही कहते हैं लोग वीडियो में, यहाँ पे आने पे ही आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि ऐसा लगता है कि राजस्थान का कश्मीर है बिल्कुल। मतलब वो जो झील का पानी है ना वो भी काफ़ी ठंडा है। विवेक भैया ने तो मुँह भी धो लिया, उससे मना करा था फिर भी धो लिया। लेकिन आप ऐसे मत करना, आप तो समझदार हो, ये कम समझदार है, गजब बेइज्जती है। तो गाइस, आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और बिल्कुल लगेगा क्योंकि ये चीज़ें हर जगह होती नहीं है। तो आप भी बिल्कुल आना यहाँ पे किशनगढ़ और डंपिंग यार्ड में बिल्कुल देखना आना, काफ़ी अच्छी जगह है, मस्त मजा आ गया, पंछी बन गया यहाँ पे, विवेक भैया आके उड़ने लग गए मस्त गगन में। बिल्कुल, तो हम भी अब जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, हमारी ट्रेन है। और पूरी वीडियो देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न्यू वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर ही अरे कहना क्या चाहते हो, हाँ, आपके सब्सक्राइबर ही मुझे मोटिवेशन जो भी आप समझ गए ना वो देंगे बिल्कुल। तो चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, टेक केयर।